नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर टीना सिंह और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से फीमेल्स को अपना फुटवेयर सिलेक्शन करना चाहिए हील पेन से बचने के लिए। हमारे इस चैनल की फर्स्ट वीडियो जो प्लांटर फेशियाटिस के ऊपर थी, यानी कि हील पेन के ऊपर थी, वाई बटन में दी गई है, वो आप देख सकते हैं। उसमें हमने जाना था कि क्या प्रॉब्लम होती है, किस तरीके से होती है, किन किन लोगों को हो सकती है और उसका ट्रीटमेंट। अब हम देखेंगे कि हमें उससे बचने के लिए अपना फुटवेयर सिलेक्शन किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा रीजन जो रहता है वो रॉन्ग फुटवेयर की वजह से भी हील पेन यानी कि प्लांटर फेशियाटिस का आना नॉर्मल है। अगर हम फुटवेयर सिलेक्शन में जाते हैं तो हम उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो फ्लैट्स है, जो हम आमतौर पर डेली वियर में बाजार जाना या किसी के घर जाना उसमें प्रिफर करते हैं। सेकंड आ जाता है पार्टी वियर, हील्स में आ जाता है, जिसमें एक है मीडियम हाइट हील और एक होती है हाई हील्स। तो अब ये जो तीन कैटेगरीज है इसमें सेलेक्ट करते हैं कि किस तरीके की हील्स और किस तरीके का फुटवेयर हमें डेली वियर के लिए और पार्टी वियर के लिए सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले जो फ्लैट्स पहनते हैं, जो लोग ज्यादा फ्लैट्स प्रीफर करते हैं अपने डेली वियर में, तो एक होता है इस तरीके का और ये बहुत कॉमन है। जनरली इस तरीके का जो चप्पल है वो आमतौर पर बहुत ज्यादा लोग पहनते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि इसका कितना पतला कुशन है। अगर हम इसको डेली वियर में यूज करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट प्रेशर जो, एक तो ये इतना हार्ड है ये सोल की जब इसके ऊपर आप पूरा पूरा दिन निकालते हैं, लंबे पीरियड के लिए आप इसके ऊपर अपना पैर रखते हैं, हील रखते हैं, तो डायरेक्ट एक तो हार्ड सोल है, प्रेशर की वजह से, बॉडी के वेट की वजह से हमारा फेशिया है प्लांटर फेशिया, उसमें टाइटनेस आने लगती है, सोलनेस और प्लांटर फेशियाटिस का प्रॉब्लम आने लगता है। इसलिए इस तरीके का जो हार्ड सोल है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। सिमिलरली ये है, इस तरीके का स्लीपर्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में है तो इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड सोल है, उसके साथ साथ एकदम पत्ता है, एकदम आप समझिए चप्पल पहनना ना पहनना इज सेम। सो अवॉइड सच टाइप ऑफ हील्स फ्लैट्स। अब इसी में कुछ लोग जूतियां प्रिफर करते हैं, तो जूतियों में देखिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप जूतियां मत पहनिए, समहाउ मन करता है किसी ड्रेस के साथ पहनने का, मैं भी कैरी करती हूं कभी कभी, लेकिन हाँ मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आप जूती ले रहे हैं, क्योंकि कुछ ड्रेसेस के साथ जूतियां अच्छी लगती हैं, जूती में भी दो वैरायटीज आती हैं, एक होता है कि सोल थोड़ा सा एकदम फ्लैट है, एक होता है कि ये कुशनी मटेरियल इस तरीके का आता है, तो ये थोड़ा सा स्पंजी होता है, ये कुछ देर के लिए जब आप किसी फंक्शन में या किसी भी ड्रेस के साथ थोड़ी देर के लिए कैरी करते हैं तो इट्स ओके, आप इसको कर सकते हैं। जूती जब आप खरीदने जाएं तो आप हमेशा ये ध्यान रखें, ये ऑल्दो है एकदम फ्लैट बट स्टिल जूतीज में वैरायटीज होती है, ट्राई टू बाय सच टाइप ऑफ जूतीज जिसमें इस तरीके का कुशनी मटेरियल हो, ये थोड़ा सा कुशनी, इस तरीके की जूती को आप सेलेक्ट करें। और मैं एडवाइस करूंगी कि जूती वैसे तो आप कम पहने बिकॉज वो फ्लैट्स में ही है, थोड़ा सा हार्ड सोल रहता ही है कहीं ना कहीं, लंबे पीरियड के लिए अवॉइड करें। अब बात करते हैं कि ऐसा फुटवेयर क्या है, किस तरीके से सेलेक्ट करें जो डेली वियर में भी रहे, हमारा घर पे भी यूज कर सकते हैं, या फिर कहीं मार्केट जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, उस टाइप के स्लीपर्स को आप कैसे चूज करें, तो दिस इज अ परफेक्ट स्लीपर। इस तरीके के स्लीपर आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, इवन किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हो, तो ट्राई टू बाय सच टाइप ऑफ स्लीपर्स जिसमें जो सोल है वो थोड़ा सा थिक हो, एकदम फ्लैट इस तरीके से ना हो, और देखिए इसमें कम से कम नहीं तो आधा इंच का ये विड्थ है, इसकी हाइट है, तो इस तरीके का स्लीपर चूज करें, तो थोड़ा सा हाइट हो, उसके साथ साथ ये प्लेटफॉर्म है, इसमें हील भी है हल्की सी और वो प्लेटफॉर्म फॉर्म में है, दूसरा इसके साथ साथ ये इसका कुशनी मटेरियल है, उसके साथ साथ ये जो कर्व है जो हमारे फुट को अच्छे से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इस तरीके का कर्व इसमें होना चाहिए आपके स्लीपर में, तो ट्राई टू बाय दिस टाइप ऑफ स्लीपर फॉर डेली यूज। अब जो सेकेंड कैटेगरी आती है वो आती है हील्स की, यानी कि उसमें भी हमने दो में डिवाइड किया है, हाई हील और मीडियम हील्स। तो जो मीडियम हील्स है अगर हम उनकी बात करें तो जैसे ये हील है, ये एक मीडियम हील है बट इसका सोल बहुत ज्यादा हार्ड है, उसके साथ साथ इसके आगे का पोर्शन देखिए कितना नैरो है, जब इसको आप पहनेंगे तो आपकी जो टोज हैं वो एकदम ऐसे एकदम कॉन्ट्रैक्टेड आ जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, और जब आप इस टाइप की हील को बहुत लंबे पीरियड के लिए पहनते हैं, इवन किसी पार्टी में भी अगर आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए भी पहनेंगे तो ये एक अनकंफर्टेबल आपको फील कराएगी, और कहीं ना कहीं अगर आप इसको ऑफिस आवर्स में या फिर ड्यूरिंग मार्केट आप इस मीडियम हील्स को प्रिफर करते हैं तो ये आपको हील पेन लाने के चांसेस
दे सकती है, इसलिए इस टाइप की हील्स को अवॉइड करना है। सिमिलरली ये है, इसमें भी ये एक तरीके से ब्लॉक हील टाइप है, बट आगे का पोर्शन इसका भी नैरो है, उसके साथ साथ अच्छा खासा इसमें एक स्लैंट है, तो ये भी आपकी हील के लिए ठीक नहीं है, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ साथ इसमें देखिए इसका सोल जो है वो पतला है, हार्ड है बहुत ज्यादा, नहीं हमको बाय करनी चाहिए इस टाइप की हील्स। भले ही एक ब्लॉक हील है बट स्टिल इसका स्लैंट थोड़ा सा बाकी हील से कम है, तो एक तरीके से मैं इसको बोल सकती हूँ कि समहाउ कभी पहन लिया थोड़ी देर के लिए, बट स्टिल अवॉइड दिस ऑल्सो। इसका ऑल्दो जो आगे का पोर्शन है, जो 4 फुट वाला पोर्शन है, वो थोड़ा सा ब्रॉड है, इसलिए ये हल्का सा ब्रॉड है, थोड़ा सा इसका हील भी ब्लॉक टाइप है, उसके साथ साथ इसका स्लैंट भी थोड़ा सा कम है, तो इसको कहीं ना कहीं कभी थोड़ी पीरियड के लिए आप पहन सकते हैं इस टाइप की हील्स को, बट स्टिल फिर भी मैं बोलूंगी इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। एक आती है हाई हील्स, जो हम जनरली एकदम पार्टी वियर हील्स टाइप बोलते हैं, तो ये जो हील्स हैं इसके लिए बिग नो है। रीजन बिहाइंड दिस इज कि एक तो ये पेंसिल हील है, इसका जो आपका बेस ऑफ सपोर्ट है वो आपका एकदम लो है, आप इसमें देखिए स्लैंट इसका कितना ज्यादा है, जब आप इसको पहनेंगे तो आपका जो काफ मसल एकदम कंट्रैक्टेड जाएगा, फेशिया टाइटनेस में जाएगा, उसके साथ साथ आपका जो बेस है वो एकदम हार्ड है और आगे का पोर्शन एकदम नैरो है, जो कि आपकी जो सारे जो मेटाटार्सल्स है, जो आगे का टोज है, उनको एकदम श्रिंक करके रखेगा, एकदम कॉन्ट्रैक्टेड करके रखेगा, और ये डेफिनेटली आपकी हील्स में पेन लेके आएगा। सिमिलरली सच टाइप ऑफ हील्स आर ऑल्सो नॉट गुड, तो इन हील्स को आपको अवॉइड करना है। सो द सोल्यूशन इज इस तरीके की प्लेटफॉर्म हील्स। प्लेटफॉर्म हील्स आर इवन मच बेटर देन सच टाइप ऑफ हील्स जो हमने अभी देखी। इसका बेनिफिट क्या है, एक तो आपका जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो आपको ज्यादा मिल गया क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, आप इसमें हील भी है तो आप इसको पार्टी वेयर भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप देखिए कि इसमें जो कुशनी मटेरियल है वो भी बेटर है, और इसमें आप ये देखिए कि इसका जो आगे का पोर्शन है वो अच्छा खासा ब्रॉड है, तो ये आपके टोज स्प्रेडेड रहेंगे, टोज बेटर रहेंगे, इसमें कुशन भी है, एक प्लेटफॉर्म भी है और हील भी है, तो इस तरीके की हील्स आपको अपने पार्टी वियर यूज के लिए यूज करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद।